बनाने के लिए सीआरपीएफ के डीआईजी प्रभाकर तिवारी, उनकी पत्नी पूनम तिवारी अहम योगदान दे रही हैं। तो महिलाओं को का आत्मनिर्भर कैंप, सीआरपीएफ कैंप की पहल जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो कैंप के अंदर ना ही सिर्फ महिलाओं की जो जरूरत की चीजें हैं वो प्राप्त हो जाएंगी, कुछ महिलाओं का इससे बढ़िया सा इनकम भी होगा। इसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, खास करके हेल्थ और हाइजीन के जो इशू होते हैं, तो उसमें हमारी जो यहाँ पे महिला डॉक्टर हैं, समय समय पर इनके साथ बैठ करके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहती हैं, इनको बताती रहती हैं। इसके अलावा भविष्य में कंप्यूटर लैब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एक इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण हमारे बच्चों को दिया जाएगा। तो ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको हम भविष्य में यहाँ पे ला करके सुचारू रूप से चलाएंगे, और उससे हमारे जो परिवार के लोग हैं यहाँ पे, आपको मालूम होगा कि सीआरपीएफ पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में है, और बहुत सारे ऐसी जगह, लगभग 90% ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जवान जो है या कार्मिक अपने परिवार को साथ में नहीं रख सकते हैं। तो वैसे में ये ग्रुप केंद्र उनके परिवार के लिए ही बनाया गया होता है, यहाँ पे पारिवारिक आवास उनके लिए बना हुआ है। जब उनका परिवार यहाँ पे उनके पीछे रहता है तो ये हम लोगों की जो यहाँ पे पोस्टेड है उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि इनके परिवार के अच्छी तरह से भरण पोषण चल रहा है, इनके जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं, खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार। तो वैसे में अगर छोटी मोटी जो यहाँ पे अगर हमारी कोशिश से कुछ इनकम जनरेट होने लगता है तो ये इनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। उद्देश्य ये है कि हमारे जवानों की फैमिली यहाँ रहती है तो उनको थोड़ा सा रोज़गार भी मिलेगा, और हमारे चूँकि कावा फैमिली वेलफेयर सेंटर हर जगह होता है, अमेठी चूँकि नया ग्रुप सेंटर यहाँ नहीं था, तो इसलिए अभी हमने कच्चा तौर पे बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन कच्चे तौर पे हम इसको कच्ची बिल्डिंग में अभी जस्ट आज शुरुआत कर रहे हैं।